हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. दिस इज योर बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 11, द वर्ल्ड्स बेस्ट वॉरियर. एंड हियर इज ग्रामर पोर्शन गिवन अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन डिटेल. सो लिसन वेरी केयरफुली. इट्स पेज नंबर 182. सो व्हाट यू मीन बाय द Active voice, a verb is said to be in the active voice when the subject acts or performs the action. तो जो active voice वो होते हैं जिसमें आपका verb जो है, जो काम कर रहा है, जो क्रिया है आपकी, जब वो क्रिया जो subject करता है. इट मीन्स जब कोई कार्य जो है सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो आपका एक्टिव वॉइस होता है. जैसे रचना सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे रचना आपकी सब्जेक्ट है और सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. सिंग्स आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिंग्स आपका वर्ब है. अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन और रिसीव्स द एक्शंस and the door of the action becomes the object. लेकिन passive voice वो होता है जब आपका जो subject है वो आपका object बन जाता है और object will become a subject. It's very simple. रचना आपका subject है और song जो है आपका object है. तो आपको जो है वो सिर्फ चेंज कर देना है, रचना की जगह जो है सॉन्ग लिख देना है, सॉन्ग की जगह सिर्फ आपको रचना लिख देना है. बट वो लिखेंगे कैसे, एग्जाम्पल इज गिवन हियर. अ सॉन्ग इज संग बाय रचना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स व्हेन यू आर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस. जब आप चेंज कर रहे हैं तो आपको कुछ रूल जो है फॉलो करने पड़ेंगे. बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. अब जैसे यहाँ पर रचना सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया गया है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. लेकिन हम ऑलवेज पैसिव वॉइस में वी थर्ड यूज करते हैं. रिमेंबर दिस पॉइंट, कभी भी जब हम जो पैसिव वॉइस अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका वी थर्ड फॉर्म आती है और कोई भी फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ ऑलवेज वी थर्ड आएगी. तो अ सॉन्ग इज संग, सिंग का आपका क्या आ जाएगा, संग आ जाएगा वी थर्ड बाय रचना. अब देखिए यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया है अ सॉन्ग, और जो आपका सब्जेक्ट था रचना फर्स्ट प्लेस पे, अब वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया है बाय रचना. सो इन अ पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस टेक्स द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस एंड वॉइस वर्सा. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, टेंस ऑफ द वर्ब ऑलवेज रिमेन द सेम, इट नेवर चेंजेस. जो आपकी टेंस है वर्ब की वो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है. सो हेयर आर रूल्स गिवन हेयर अबाउट द सिंपल कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट. जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे इसके साथ हमने रिटर्न वी थर्ड यूज किया हुआ है. वॉज रिटर्न, ये भी वी थर्ड है. विल बी रिटर्न, फ्यूचर में बात करें लेकिन फिर भी वी थर्ड वर्ब है. लेटर इज बींग रिटन, ये आपका कंटिन्यूस में है लेकिन यहाँ पर आपको बींग अप्लाई करना है. रिमेंबर, बींग अप्लाई करना है जब हम कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे. और सेम वही प्रोसीजर है, प्रेजेंट में इज अप्लाई करेंगे, पास्ट में वॉज अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और फ्यूचर में विल बी अप्लाई करेंगे. ऐसे ही परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन होता है, लेकिन यहाँ पर हैड आपका पास्ट में आएगा और विल हैव बीन आपका फ्यूचर में आएगा. इट्स वेरी सिंपल, बस आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन से रूल्स हैं. और आपको सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्लेस कर देना है और वी थर्ड अप्लाई करना है. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. स्टेट वेदर सेंटेंसेज आर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. आपको बताना है कि ये जो है एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. सो आंसर इज गिवन हियर, शी पेंट्स अ पिक्चर एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर आपका
सब जो आपका काम है, जो आपका एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, द चेयर हैज़ बीन पेंटेड, लेकिन किसके द्वारा पेंटेड हुई है ये नहीं पता आपको, तो ये क्या है आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन किसके द्वारा हुआ है, ऑब्जेक्ट के द्वारा. दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इट्स बिलोंग टू द एक्टिव वॉइस. द लेटर वॉज डिलीवर्ड बाय देम, इट्स बिलोंग्स टू द पैसिव वॉइस, क्योंकि आपका यहाँ पर बाय भी यूज हो रहा है सिंपल. कई बार आपका जो बाय अगर सेंटेंस में शो हो रहा है तो इट मीन्स वो बिलोंग्स करता है पैसिव वॉइस से. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन टू द पैसिव वॉइस. तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस. सो फर्स्ट इज गिवन हियर, शी इज क्लीनिंग द डोर. जैसे कि आपका सब्जेक्ट शी है और डोर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो मैंने आपको बताया था रूल्स में कि जो है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा. तो आपको पता है द डोर आपका फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और शी आपका जो है उसकी जगह आप हर यूज करेंगे लास्ट में. ठीक है, तो आंसर कुछ आपका ऐसा बनेगा. और ये क्लीनिंग, क्लीनिंग आपको पता है आई एन जी यूज हुआ हुआ है, इट मीन्स ए कंटिन्यूस में. और जब मैंने आपको बॉक्स आपकी बुक में गिवन है, तो जब आपका कंटिन्यूस में होगा तो वहां पे इज बीइंग आ जाएगा. तो बस आपका आंसर रेडी है, आप आंसर बता सकते हैं. सो दिस इज योर आंसर, द डोर इज बीइंग क्लीन्ड बाय हर. इट्स वेरी सिंपल. नाउ सी द सेकेंड, रवि विल फ्लाई अ काइट. अगेन आपको अ काइट जो है फर्स्ट प्लेस पे रखना है और बाय रवि लास्ट प्लेस पे रखना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और अ काइट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट. एंड विल फ्लाई मतलब कि आपका फ्यूचर है, तो फ्यूचर मैंने आपको बताया था विल बी आ जाएगा. तो हियर इज योर आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, अ काइट विल बी फ्लोन बाय रवि. जैसे कि बता चुकी हूँ जो आपका वी थर्ड अप्लाई होगा यहाँ पे क्लीन्ड है क्लीनिंग की जगह, फ्लाई की जगह फ्लोन है. ऐसे ही आपका वी थर्ड यूज होगा हर सेंटेंस में. ही टुक नो नोटिस ऑफ मी. अगेन नो नोटिस विल कम इन द फर्स्ट प्लेस as the form in the form of subject and by him, he की जगह आप him use करेंगे at the last में. तो what will be the answer of this? Yes, let's see the answer of this. No notice of me was taken by him. जैसे कि हम जो है took, हमने जो है ये past में use किया है, टुक जो है हमारा शो कर रहा था पास्ट को. तो पास्ट में मैंने आपको बताया था टेबल में पास्ट में हम वॉज यूज करते हैं. ठीक है, तो वॉज टेकन बाय हिम. नाउ सी द फोर्थ, एवरीबॉडी विल ब्लेम अस. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो फ्यूचर में मैंने आपको बताया था विल बी और वी थर्ड अप्लाई होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द आंसर, यस विल बी ब्लेम्ड बाय एवरीबॉडी. सो लेट्स सी द आंसर ऑफ फोर, यस विल बी ब्लेम्ड बाय एवरीबॉडी. नाउ कम टू द फिफ्थ, द गार्डनर वॉज कटिंग द ग्रास. हियर द ग्रास आपका फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, गार्डनर जो है लास्ट प्लेस पे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. वॉज कटिंग, अब क्या है आपका वॉज कटिंग, आई एन जी यूज हुआ है मतलब कि कंटिन्यूस है, लेकिन कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था बींग अप्लाई हो जाएगा. जहाँ पे आपका आई एन जी लगा है वहाँ पे आप बींग अप्लाई करेंगे, वॉज का वॉज ही रहेगा. जैसे मैंने आपको बताया था रूल में कि जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. तो गार्डनर वॉज कटिंग द ग्रास, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, yes the grass was being cut by the gardener, this is the correct answer. Now see the sixth, Kritika has read the newspaper. So
The newspaper has been read by the Kritika. This will be the answers. Now next is C part. Fill in the blanks with the passive forms of the verb. Clues are given in the bracket. आपको clues दिए हुए हैं उसके according you have to change and that form simple present में change करना है conduct को. So here are conducted welcome. Present है simple present में change करना है तो उसके table के according जैसे आपकी table में दिया हुआ है तो conduct का conducted हो जाएगा V third हो जाएगा और simple present में are use करेंगे. सेकेंड स्पॉन्सर है प्रेजेंट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट कंटिन्यूस पता है आई एन जी यूज़ करते हैं लेकिन स्पॉन्सर है वी थर्ड में कन्वर्ट करना है. स्पॉन्सर्ड हो जाएगा ये डी लग जाएगा और कंटिन्यूस में बता चुकी हूँ आपको इज बीइंग लग जाएगा. हियर बिल्ड बिल्ड इज गिवन एंड सिंपल पास्ट में करना है तो वी थर्ड अप्लाई करेंगे बिल्ट हो जाएगा और पास्ट में करना है तो वॉज आएगा वी थर्ड आ जाएगा बिल्ट का बिल्ड का. यहाँ पे फोर्थ गिवन है एडमायर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो एडमायर्ड हो जाएगा वी थर्ड में कन्वर्ट करो पहले इसको देन उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैव बीन लगता है बस सिंपल. एंड हियर इज गिवन फिफ्थ रन इज गिवन सिंपल फ्यूचर में करना है. फ्यूचर में जैसे कि पता है यू नो विल बी वेलकम विल बी आएगा यहाँ पर और रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होगा. नाउ हियर इज वाइड वर्ड वाइज इज गिवन टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द इन दीज सेंटेंसेज. आपको टिक कर लगाने हैं फर्स्ट में सम सेकेंड में मच थर्ड में मोर फोर्थ में फ्यू फिफ्थ में एनी और सिक्स में द और माय अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. नाउ बी पार्ट इज गिवन हियर यूज द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हियर कुछ वर्ड आपको गिवन है तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अप्लाई करने हैं. फर्स्ट में आपका प्रिंसेस प्राइसलेस मेडिसिंस सेकेंड एक्सरसाइजिंग एंड थर्ड इंटरनल जॉगिंग. आपको जो है यहाँ पे फ्रेजेस यूज करने हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. टेक्निक्स फोर्थ में आएगा और इम्पेशेंट्स इम्पेशेंट फिफ्थ में आएगा. सिक्स्थ में आपका जो है फनीएस्ट आएगा. नाउ सी पार्ट इज गिवन मैच द फॉलोइंग जिसके करेक्ट मीनिंग है उसके आपको जो है उसके आगे उसका मीनिंग बताना है. सो फर्स्ट जैसे कि आपको गिवन है फर्स्ट का सी सेकंड का ई थर्ड का आपको ए मिलेगा यहाँ पे फोर्थ का बी एंड फिफ्थ का डी. तो चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया. नाउ नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है पेज नंबर 84 पे. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताती हूँ हाउ टू राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. ओके सो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.